होंडा कंपनी ने डियो को 125 सी सेगमेंट में लॉन्च किया है। ऐसे में 125 सीसी में अगर आप कोई स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो होंडा डियो भी आपकी एक पसंद बन सकती है। लेकिन हो सकता है कि सुजुकी अवेनिस 125 के बीच में भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, कौन सा आपके बजट रेंज के अंदर आएगी। और आपको बता दूं कि इनके प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा, कहीं आप गलत स्कूटर ना परचेस कर लें। इस वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा आपके हिसाब से बढ़िया होगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पे सबसे पहले हमेशा की तरफ बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यानी कि कलर ऑप्शन, वेरिएंट और डिजाइनिंग आपको कैसी देखने को मिल जाती है। तो अगर आप होंडा डियो लेते हैं तो इसमें आपको दो वेरिएंट मिल जाता है, एक स्टैंडर्ड और एक एच स्मार्ट का। टोटल 7 कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जहाँ पे स्पोर्ट्स रेड, पर्ल नाइट स्टार ब्लैक, मैट मार्बल ब्लू मेटेलिक, पर्ल सिरेन ब्लू, मैट संगारिया रेड मेटेलिक, पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे और मैट एक्सिस ग्रे मिल जाता है। तो टोटल कलर ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं सुजुकी अवेनिस लेंगे तो यहाँ पे 3 वेरिएंट मिल जाएगा, जहाँ पे स्टैंडर्ड, राइड और रेस का मिल जाता है। जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड और राइड में 4 का ऑप्शन मिल जाएंगे, जहाँ पे मेटेलिक लस ग्रीन, पर्ल ब्लेज ऑरेंज, पर्ल मिरेज व्हाइट और ग्लास स्पार्कल रेड मिल जाएगा। वहीं इसके रेस एडिशन में मेटेलिक सोनिक सिल्वर भी देखने को मिल जाती है। तो कलर ऑप्शन होंडा डियो 125 में थोड़े से ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो लुक और डिजाइनिंग है वो यहाँ पे देख सकते हैं। होंडा डियो की आप डिजाइन देख सकते हैं, जो 110 सीसी में होंडा आती है, कुछ उसी तरीके डिजाइनिंग की डीआरएस दी गई है। लेकिन इसके जो डीआरएस है यहाँ पे स्प्लिट देखने को मिल जाती है, थोड़ी सी हाइलाइटेड लुक के साथ दी गई है काउल के ऊपर। बाकी फ्रंट एप्रन पे हेडलैम्प यहाँ पे भी दिया गया है, जहाँ पे टर्न इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाती है। तो फ्रंट से इसका लुक ग्राफिक्स देख सकते हैं, बाकी साइड से भी इसका आप डिजाइनिंग देख सकते हैं। फ्लोरबोर्ड पे स्पेस मिल जाता है, नीचे होंडा की बैजिंग दी गई है, सीट की डिजाइन देख सकते हैं, पीछे स्प्लिट ग्रैबरेल भी दिया गया है, साइड में डियो की बैजिंग मिल जाती है। ग्राफिक्स अलग अलग कलर में अलग अलग देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम भी आप देख सकते हैं, एल्यूमिनियम के कवर लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे डुअर बैरल और एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिल जाती है। वहीं अगर रियर से इसका लुक देखेंगे तो काफी स्टाइलिश स्प्लिट डिजाइनिंग की यहाँ पे टेल लैंप सेक्शन भी दी गई है, तो ओवरऑल यहाँ पे लुक देख सकते हैं। बाकी सुजुकी अवेनिस लेते हैं तो फ्रंट से इसका लुक देख सकते हैं, इसके हेड के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर लाइट मिलेगा। बाकी जो इसका हेडलैम्प है, डीआरएस है, वो इसके फ्रंट एप्रन पे आपको देखने को मिलेगी। बाकी इसके फ्रंट से इसका लुक देख सकते हैं। बाकी साइड व्यू की अगर बात करें तो फ्लोरबोर्ड पे स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, साइड में यहाँ पे अवेनिस की बैजिंग मिल जाएगी 3D में, जहाँ पे काफी अच्छे कट्स भी बने हुए हैं। सीट की डिजाइन देख सकते हैं, डुअल टोन की सीट मिल जाती है, स्प्लिट ग्रेवरेल दिया गया है और एग्जॉस्ट सिस्टम भी देख सकते हैं, काफी मस्कुलर मिल जाता है। बाकी अगर रियर व्यू की बात करें तो यहाँ पे टेल लैंप की डिजाइनिंग भी देख सकते हैं आप, और यहाँ पे मोटरसाइकिल टाइप की आपको टर्न इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल आपने दोनों का लुक देख लिया है, लुक वाइज जो आपको ज्यादा बेहतर लगे, जो आपको ज्यादा मस्कुलर लगे, स्पोर्टियर लगे, उसके साथ आप जा सकते हैं। बाकी आगे बात करते हैं इसके इंजन की, इंजन में आपको कितना अंतर देखने को मिल जाएगा। तो अगर होंडा डियो लेते हैं तो 123.92 सीसी का 4 स्टॉक SI फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाती है, जो कि OBD2 सेंसर E20 फ्यूल कैपेबल के साथ मिल जाएगी। लेकिन सुजुकी अवेनिस में 124 सीसी का 4 स्टॉक सिंगल सिलेंडर 2 वॉल्व फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाती है, ये भी E20 और OBD2 सेंसर के साथ मिल जाती है। बाकी जो होंडा डियो 125 का इंजन है 6250 RPM पर 8.28 PS का पावर, जबकि 5000 RPM पर 10.4 NM का टॉर्क इन करती है। लेकिन वही अवेनिस का जो इंजन है 6750 RPM पर 8.7 PS का पावर, जबकि 5500 RPM पर 10 NM का टॉर्क इन करती है। यहाँ पे आपको बढ़िया पावर सुजुकी अवेनिस 125 में देखने को मिल जाती है, लेकिन जो टॉर्क है थोड़ी सी बेहतर होंडा डियो में दी गई है। तो ये आपको पावर फिगर में अंतर मिल जाता है। इसके अलावा होंडा डियो में किक स्टार्टर देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन सुजुकी अवेनिस में आपको किक स्टार्टर भी देखने को मिल जाती है, तो ये भी थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिल सकता है। बाकी इनके सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें तो होंडा डियो के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में 3 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन दिया गया है। तो अवेनिस के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में स्विंग आर्म सस्पेंशन दिया गया है, तो दोनों ही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ आती है। बाकी इनके टायर और ब्रेक्स की अगर बात करें तो होंडा डियो के फ्रंट में 90x90 का 12 इंच और रियर में 90x100 का 10 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। लेकिन अगर आप सुजुकी अवेनिस लेते हैं तो इसके फ्रंट में 90x90 का 12 इंच और रियर में 90x100 का 10 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है, यानी कि टायर साइज बिल्कुल सेम यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो होंडा डियो के फ्रंट में ड्रम ब्रेक स्टैंडर्ड मॉडल मिलेगा, डिस्क ब्रेक HS मॉडल मिलेगा, बाकी रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। तो वहीं सुजुकी अवेनिस के फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक मिल जाता है, यानी कि दोनों ही आपको डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ मिल जाती है। वहीं की कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं कि फीचर्स में कितना आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप होंडा डियो लेते हैं तो इसमें CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, और सुजुकी अवेनिस में आपको CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। दोनों में ही CBS आपको देखने को मिल जाएगा, एक ब्रेक लगाने से दोनों ब्रेक एक साथ काम करते हैं, सेफ्टी के लिए ये ब्रेकिंग सिस्टम दी जाती है। होंडा डियो में LED हेडलैम्प के साथ LED पोजीशन लैम्प दिया गया है, वहीं सुजुकी अवेनिस में भी आपको LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है। होंडा डियो में आपको फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा, जहाँ पे 2 मीटर कंसोल यहाँ पे दिए गए हैं, जहाँ पे पहले मीटर में आपको स्पीड, फ्यूल, ऑडोमीटर, क्लॉक, ट्रिप, एवरेज माइलेज, रियल टाइम माइलेज, सर्विस ड्यू इंडिकेटर, डिस्टेंस टू इंपटी, 3 स्टेप इको इंडिकेटर सारी जानकारी मिल जाती है।
इसके अलावा इसमें आपको एक एच स्मार्ट का फीचर मिल जाता है, उसके बारे में बात आगे करेंगे। अब इस सुजुकी वेनिस लेते हैं तो इसमें आपको फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है और ये स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ भी आती है, जिसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, फोन बैटरी लेवल, कॉल एंड SMS अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, स्पीड अलर्ट, स्पीड, फ्यूल ऑडोमीटर ट्रिप, ये सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर आप होंडा ड्यू लेते हैं तो इसमें कोई भी कनेक्टेड फीचर नहीं मिलेगा, लेकिन सुजुकी वेनिस में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर मिल जाता है जो कि ऑप्शनल है। तो अगर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फीचर चाहिए जहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने को मिले तो आप सुजुकी अवेनिस के साथ जा सकते हैं। होंडा डियो में 18 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, लेकिन सुजुकी अवेनिस में आपको 21.8 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। होंडा डियो में एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग देखने को मिल जाएगा जो कि पीछे दिया गया है, और एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग आपको सुजुकी अवेनिस में भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा होंडा डियो में फ्रंट में ग्लोव बॉक्स दिया गया जहाँ पे बॉटल वगैरह रख सकते हैं, और सुजुकी अवेनिस में भी फ्रंट में ग्लोव बॉक्स दिया गया जहाँ पे आप बॉटल वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा सुजुकी अवेनिस में दूसरी साइड एक रैक भी दिया गया है जहाँ पे कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं, तो एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाता है अवेनिस में। इसके अलावा दोनों में साइड डिस्टेंस सेंसर भी लगा हुआ है। होंडा डियो में आइडियल स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम दिया गया है जो कि सुजुकी अवेनिस में इंजन की स्विच मिल जाती है। इसके अलावा होंडा डियो में आपको एक एच स्मार्ट का फीचर मिल जाता है, यानी कि स्मार्ट की मिल जाती है। इस स्मार्ट की में चार फंक्शंस दिए गए हैं, काफी सारे वीडियो मैंने आपको बताया भी है, लेकिन ये वीडियो जो पहली बार देख रहा है उसके लिए बता दूं। एच स्मार्ट में पहला फीचर मिल जाता है स्मार्ट फाइंड। अगर आप अपने स्कूटर को कहीं पार्किंग में रख दिए हैं, भूल गए हैं कहाँ पे आपने पार्किंग लगाया है, इस रिमोट का बटन प्रेस करके पता कर सकते हैं कि आपका स्कूटर कहाँ पे है, ब्लिंकर्स ऑन हो जाएंगे। स्मार्ट स्टार्ट बिना चाबी लगाए, अगर आपके पास ये चाबी है तो स्कूटर को आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्मार्ट अनलॉक यानी कि बिना चाबी लगाए आप अगर आपके पास स्मार्ट की है तो इसके फ्यूल को, इसके सीट को ओपन कर सकते हैं बिना चाबी लगाए। स्मार्ट सेफ यानी कि एंटी थेफ्ट अलार्म भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो स्मार्ट की का यही चार फंक्शंस हैं जो कि आपको सुजुकी अवेनिस में कोई भी स्मार्ट की देखने को नहीं मिलेगा। तो फीचर्स वाइज यही आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सुजुकी अवेनिस के कुछ अपने ही फायदे हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है, ऑप्शनल है, और होंडा डियो में एच स्मार्ट का ये नया फीचर दिया गया है लेकिन इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा। तो ये आपको फीचर्स में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बाकी इनके माइलेज और टॉप स्पीड की बात करें तो 125 सीसी में जो स्कूटर्स आते हैं उनसे ज्यादा माइलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसा कि 110 में मिल जाता है, लेकिन फिर भी आपको होंडा डियो में 45 की एमपीएल तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाएगी, और सुजुकी अवेनिस में भी 45 की एमपीएल तक माइलेज मिल जाती है। लेकिन ये ज्यादा ट्रैफिक में चलाएंगे तो थोड़े से कम भी माइलेज मिल सकते हैं, और हाईवे जाते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा भी आपको माइलेज मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एवरेज माइलेज बता दिया है। बाकी जो टॉप स्पीड है होंडा डियो की 95 kmph तक है, सुजुकी अवेनिस 100 kmph तक टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। लेकिन इतने स्पीड में अगर आप स्कूटर चलाते हैं तो कहीं ना कहीं आप डिसबैलेंस हो सकते हैं, क्योंकि स्कूटर इतने स्पीड में लोग नहीं चलाना पसंद करेंगे, क्योंकि सड़कों पे अगर हाईवे जाते हैं तो काफी वहाँ पे हवा भी होता है, तो इतने स्पीड में स्कूटर ना चलाएं तो ज्यादा बेहतर है। बाकी इनके कुछ डायमेंशंस की बात कर लेते हैं तो होंडा डियो का जो लेंथ है 1830 mm, V707 mm, हाइट 1172 mm, व्हील बेस 1260 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 171 mm, फ्यूल डेंसिटी 5.3 liters का जो कर्वेट है 104 kgm। वही सुजुकी अवेनिस लेते हैं जिसका जो लेंथ है 1895 mm, V710 mm, हाइट 1175 mm, व्हील बेस 1265 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm, सीट हाइट 780 mm, फ्यूल टैंक स्पीड 5.2 लीटर का जो कर्वेट है 106 kgm। तो यहाँ पे बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस आपको होंडा डियो में देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे इन दोनों का जो वेट है इसमें डियो 125 थोड़ी सी हल्की मिल जाती है। वही मेन बात आती है प्राइसिंग की, जिसका वेट आप इतना लंबे समय से इस वीडियो में कर रहे होंगे। तो होंडा डियो 125 का एक्सम दिल्ली प्राइस स्टैंडर्ड वेरिएंट के साथ 83,400 यानी कि 83,400 रुपए तक है। एच स्मार्ट के साथ 91,300 यानी कि 91,300 रुपए तक एक्सम प्राइस है। अगर ऑनर प्राइस की बात करें तो स्टैंडर्ड वेरिएंट 99,000 रुपीज यानी कि 99,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी, लेकिन जो इसका एच स्मार्ट है लगभग 1,06,200 यानी कि 1,06,200 रुपए के आसपास मिल जाएगी। लेकिन वही अगर आप सुजुकी अवेनिस लेते हैं तो इसमें आपको तीन वेरिएंट मिल जाता है। स्टैंडर्ड वेरिएंट के साथ एक्सम प्राइस 87,800 यानी 87,800 रुपए तक है। ड्राइड कनेक्ट एडिशन के साथ 92,000 रुपीज यानी कि 92,000 रुपए तक है। वहीं रेस एडिशन के साथ इसकी एक्सम प्राइस 92,300 यानी कि 92,300 रुपए तक है। ऑनर प्राइस की बात करें तो स्टैंडर्ड वेरिएंट 1,02,000 रुपीज यानी 1,02,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। राइड कनेक्ट एडिशन के साथ ऑनर अप्रॉक्स 1,07,000 रुपीज यानी 1,07,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। वहीं रेस एडिशन के साथ 1,07,300 यानी 1,07,300 रुपए के आसपास मिल जाएगी। तो इनके एक्सम प्राइस में आप अगर डिफरेंस देखते हैं तो स्टैंडर्ड मॉडल में लगभग 4,400 रुपए तक सस्ती आपको होंडा डियो मिल जाती है, लेकिन वहीं अगर आप इसके दूसरे वेरिएंट जो मिडिल वेरिएंट है वहां पे अगर कंपैरिजन करते हैं प्राइस से तो कहीं ना कहीं जो डियो है बस केवल 800 रुपए तक आपको सस्ती मिलती है सुजुकी अवेनिस के मुकाबले में। तो अगर देखा जाए तो प्राइसिंग में यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है अगर आप टॉप मॉडल के साथ जाते हैं, क्योंकि सुजुकी अवेनिस में ज्यादा फीचर्स भी दिए गए हैं। USB चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है, बड़ा सा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, और पावर भी आपको बढ़िया देखने को मिल जाती है होंडा डियो के मुकाबले में। और आपके और 800 रुपए एक्स्ट्रा देकर, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर अगर आप सुजुकी अवेनिस भी ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि होंडा डियो का लुक आपको ज्यादा बेहतर लगे, होंडा के जो इंजन्स होते हैं उस पर आपको ज्यादा भरोसा हो, होंडा के जो सर्विस सेंटर हैं आपके पास इजीली अवेलेबल हो। तो स्कूटर लेने से पहले ये भी सारी चीज़ देखनी होती है।
बाकी जितने भी डिफरेंस था वो प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी फीचर्स में पावर में यहाँ पे आपको अंतर देखने को मिल जाता है। तो जितने भी जानकारी थी मैंने आपको डिटेल दे दिया है, तो वीडियो आपको थोड़ी सी लंबी जरूर लग सकती है, लेकिन एक एक डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे कि कहीं भी आपको कन्फ्यूजन ना रहे, जितने भी डिफरेंस हैं वो आपको पता चल सके। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।